गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी पिक्टोग्राफ में एक्सरसाइज 14.2 का एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसमें एक ही टाइप का टोटल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख करके समझ करके बना सकते हो। ये क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम बता दें कि पिक्टोग्राफ कहते किसको हैं। पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के पहले यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द सर्टेन थिंग्स थ्रू पिक्चर इज कॉल्ड ए पिक्टोग्राफ। पिक्चर के माध्यम से अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अब पिक्चर इट मीन्स जैसे यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है मैन का, पीपुल का। अब जैसे मान लीजिए कि फेवरेट मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार महानगर हैं। तो इस दिल्ली में नंबर ऑफ पीपल 200, मुंबई में 160, कोलकाता में 120 और चेन्नई में 50, ठीक है। तो ये लोग जो हैं क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ए पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के माध्यम से हम इन डाटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब उसमें एक स्केल हम फिक्स करते हैं इस नंबर को देख करके, ताकि फिगर हमको कम बनाना पड़े। स्केल का मीनिंग होता है जैसे मान लीजिए कि 200 है, ठीक है, तो 200 पीपल का फिगर बनाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा चीज सेट करें कि हमको फिगर कम बनाना पड़े। तो एक पीपल का अगर हम फिगर बनाते हैं तो उसका वैल्यू 10 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर 200 है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 फिगर बनाना पड़ेगा। ये देख लीजिए फिगर आपका यहां बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर के अनुसार आपका 20 ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पर बना हुआ। एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे मैंगो दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, पीपल दिया हुआ है ना। तो इस तरह से बुक को देख करके आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर 20 फिगर बनाना होगा, यहाँ देखिए 10 से ये कट जाएगा तो 16 फिगर बनाना होगा। अब ये 10 से ये भी कट जाएगा तो 12 फिगर बनाना होगा और यहाँ पर 5 फिगर बनाना होगा। तो ये जहाँ 200 फिगर बनाना था वहाँ पर 20 फिगर से मेरा काम चल जाएगा, यही है पिक्टोग्राफ। तो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर फिगर का यूज करते हैं तो वही पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ पढ़ने वालों की संख्या अगर 20 है, हिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या 10 है, ऐसे ये डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या है, तो फिगर हमको कम बनाना पड़ेगा। 20 फिगर बनाना है तो 20 को कुछ ऐसा स्केल सेट कर दें कि एक फिगर का जो वैल्यू है वो उस एक फिगर के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एक फिगर बनाएंगे तो वो 5 के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 4 फिगर हम बनाए तो एक फिगर 5 के बराबर है, तो 4 फिगर का मतलब क्या हुआ, 20 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ 14.2 में आपका बहुत सारा चीज़ है। पहले आप एग्जाम्पल को देख लेंगे, एग्जाम्पल का फिगर बना लेंगे, एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज का बनाने के लिए जैसे यहाँ पर जो 10 पीपल आपको दिए है ना, 1 पीपल के बराबर 10 पीपल है, तो आप बहुत सारा डाटा बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ऐसे टेबल बना दिए, ठीक है, और इस टेबल के अंदर आप इसको सेट कर देंगे, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर पहला है दिल्ली, तो आप दिल्ली यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली में कितने हैं, 200 है, तो 200 का मतलब 20 फिगर बनाना पड़ेगा, तो 20 पीपल का आप फिगर क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है।
ऐसे करके 20 फिगर बनाना पड़ेगा। आप 20 फिगर बनाएंगे मतलब 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 का फिगर हम 20 में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से मुंबई का 160 बनाना है, तो नीचे वाले खंदे में हम मुंबई लिखेंगे और 160 के बराबर 16 फिगर ही बनाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा फिगर 16 बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका 14.2 का एक छोटा सा टॉपिक जो पिक्टोग्राफ है। इस पिक्टोग्राफ में आप इसको बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से बनाने का मतलब हुआ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें ई तक क्वेश्चन है ना, ए बी सी डी ई, ई तक क्वेश्चन है, ई तक 5 क्वेश्चन है ना, ये 4 और 1 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पिक्टोग्राफ के बाद आपको बार ग्राफ आता है, ठीक है। तो बार ग्राफ हम कल बताएंगे, ड्राइंग ए बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ का डेफिनेशन बताएंगे, और बार ग्राफ को ग्राफ की कॉपी पर ड्रॉ करना होता है, इसलिए ग्राफ की कॉपी लाना पड़ेगा। ग्राफ की कॉपी आप लेकर रखोगे और हम बताएंगे, आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो, हो गया। हाँ, एक टॉपिक हो गया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स के बच्चे को हिंदी के व्याकरण में आज पढ़ाया जा रहा है क्रिया। तो हम लोग इसके पहले संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए, आज क्रिया पढ़ेंगे। अब क्रिया है क्या, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने कराने वाले शब्द शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का जो बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे माली पौधे लगा रहा है, तो माली कौन सा काम कर रहा है, कौन सा क्रिया कर रहा है? पौधे को लगाने का काम कर रहा है, तो ये क्रिया है। तोता आम खा रहा है, तोता क्या काम कर रहा है? तोता आम खाने का काम कर रहा है, तो इसी को हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया का जैसे उदाहरण है, खाना पीना, भरना, जाना, सोना, खेलना, पढ़ना, होना, ये सारा जो है ये क्रिया है, समझे। अब क्रिया जो है ये क्रिया के दो, इसमें क्रिया में एक है धातु, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया का जो मेन जो उसका होता है रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर उनके सामान्य रूप बनाए जाते हैं। धातुओं के रूप लिंग तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे लिखता लिखती, लिखते लिखती, ये सारा जो है धातु। जैसे धातु क्या है, तो लिख है, उसमें ना जोड़ दिए, प्रत्यय क्या है, ना है, तो लिखना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। धातु और प्रत्यय जब मिलता है तो क्रिया बनता है। तो हंस, हंस, उसमें ना जोड़ दिए, प्रत्यय जोड़ दिए ना, तो हंसना हो गया, यानी कि ये क्रिया बन गया। उसी तरह आप समझ गए कि धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं।
अब उसके बाद है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक है, अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया एक अकर्मक क्रिया। अब है अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। माने कि इसमें ध्यान से सुनिएगा कि जिस क्रिया का कोई कर्म करने वाला कोई नहीं होता है लेकिन उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गाय खेत में घूम रही है और दीनू पहाड़ पर चढ़ रहा है, उपयुक्त वाक्यों में घूमने और चढ़ने का क्रिया का प्रभाव क्रमशः गाय या दीनू पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। कौन घूम रहा है खेत में, तो गाय घूम रही है खेत में, ये कर्ता पर सीधा पड़ रहा है इसका प्रभाव। तो कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं, रोना हंसना नाचना नहाना सोना जागना उगना डरना गिरना बसना आदि। अब है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म होता है तथा जिनका प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें जानिए कि सकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया का कर्म होता है और कर्म का प्रभाव, ये जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है बच्चे घर बना रहे हैं, किसान फसल काट रहा है, तो ऊपर के दिए गए वाक्यों में बनाने तथा काटने की क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चे और किसान पर ना पड़कर घर तथा फसल पर पड़ रहा है, जो कि क्रियाओं के क्रम हैं, अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता क्रिया तथा क्रम तीनों होते हैं। सकर्मक क्रिया का पहचान है जिसमें कर्ता क्रिया और क्रम तीनों होंगे, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्रम कहा जाता है, और सकर्मक का अर्थ है क्रम के साथ, और सकर्मक क्रियाओं में क्रम की अपेक्षा होती है। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया का एक क्रम होता है, एक कम क्रिया कहलाती है, जैसे नेत्रा ने चित्र बनाया, नेहा ने चित्र बनाया, करुणा ने जलेबी खाई। द्विक्रमक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के दो क्रम होते हैं, द्विक्रमक क्रिया कहा जाता है, जैसे नेहा ने पिताजी को पत्र दिखाया, करुणा ने निर्मला को जलेबी खिलाई। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, एक तो हम लोग पढ़ लिए क्रिया के भेद, अब इसका है कि संरचना के आधार पर, इसके बनावट के आधार पर क्या है, तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया हो गया, पूर्णकालीन क्रिया की दंत क्रिया, इतना सारा क्रिया है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, जब वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जानिएगा कि जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे तुम जाओ, उसने लिखा, आप पढ़िए, इसमें एक ही क्रिया है, बस एक ही काम हो रहा है। और संयुक्त क्रिया है दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएँ, संयुक्त क्रियाएँ कहलाती हैं। इसमें मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर आती है, जैसे सुमेधा जाने लगी, प्रिया पढ़ती है, उसने कपड़ा उठा लिया, तो जाने प्लस लगी, पढ़ती है, पढ़ती प्लस है, उठा प्लस लिया। इन संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य तथा मूल होती है तथा वही मुख्य अर्थ भी देती है। ऊपर लिखे वाक्यों में जाना पढ़ना और उठना मुख्य क्रियाएं तथा लगी है तथा लिया है सहायक का गौण क्रियाएं हैं। आज इतना ही, फिर कल दो तीन बच गया आपको कल बताया जाएगा।